वहीं गुरुग्राम से बड़ी खबर, एल्विश यादव से जुड़े मामले को लेकर गुरुग्राम की कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई अब 28 मार्च को होगी। याचिकाकर्ता ने जान को खतरा होने की आशंका जताई है। कोर्ट को गोपनीय पत्र लिखकर जानकारी दी। दरअसल दुर्लभ प्रजाति के सांपों के इस्तेमाल का मामला था। एल्विश यादव पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी पार्टी में अपने गाने में दुर्लभ प्रजाति के सांपों का इस्तेमाल किया है, उनके जहर का इस्तेमाल किया है। याचिकाकर्ता ने अपनी जान को खतरा बताया है और इस मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। बड़ी खबर, एल्विश यादव से जुड़ा मामला, गुरुग्राम की कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई अब 28 मार्च को होगी। याचिकाकर्ता ने जान को खतरा बताया है। कोर्ट को गोपनीय पत्र लिखकर जानकारी दी। करण जयसिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। करण, और क्या अपडेट है? नाथिर, देखिए, एल्विश यादव के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी और जो शिकायतकर्ता है उसको कोर्ट में पहुंचना था, लेकिन शिकायतकर्ता ने एक पत्र लिखा जिसमें उसने ये जानकारी दी कि उसकी जान को खतरा है। ना ही सिर्फ उसने जान को खतरा बताया बल्कि पुलिस से भी सुरक्षा जो है वो उसकी मांग की है। और कोर्ट ने इस पत्र को देखते हुए जो 28 तारीख है अब वो तय कर दी है कि 28 तारीख को जो सुनवाई है वो इस मामले में आगे की जाएगी। लेकिन जिस तरह से शिकायतकर्ता ने अपनी जान को खतरा बताया है वो कहीं ना कहीं गंभीर सवाल जो है वो खड़े करता है इस मामले में। साथ ही एक पुलिस कमिश्नर को भी उसने पत्र लिखा है जिसमें सुरक्षा की मांग की गई है। हालांकि अब पुलिस की ओर से या कोर्ट की ओर से क्या आदेश होते हैं, क्या जो शिकायतकर्ता है उसको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे मामले में 28 मार्च को कोर्ट सुनवाई करेगी। मतलब जो याचिकाकर्ता है उन्होंने कोर्ट में पेश होने से पहले ही, सुनवाई से पहले ही एक पत्र लिख दिया था कोर्ट को। बिल्कुल ना सर, एक पत्र जो है वो लिखा था और पत्र जब कोर्ट में पहुंचा, क्योंकि आज सुनवाई होनी थी तो उससे पहले ही ये जो तारीख है उसका ऐलान हो गया कि 28 मार्च को अब अगली सुनवाई की जाएगी उस मामले में। और जो पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा गया है उसमें साफ तौर पर ये बात कही गई है कि कहीं ना कहीं मेरी जान को खतरा है इस मामले में, क्योंकि कई बड़े नाम इसमें सामने आए हैं जिसको देखते हुए जान का खतरा शिकायतकर्ता ने बताया है। और ये कहा है कि मुझे जल्द से जल्द जो सुरक्षा है वो प्रदान की जाए। हालांकि कि अभी कोर्ट की ओर से ये आदेश नहीं हुए हैं कि शिकायतकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी या नहीं, लेकिन जिस तरह से पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है उसके बाद गुरुग्राम पुलिस किस तरह का इसमें रवैया अख्तियार करती है ये देखने वाली बात होगी। ना सर, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए करें।